पे खाएगी आइसक्रीम। ये मेरे दर्द किया तो मुझे आइसक्रीम खिलाओ। खुशी खुशिया अरे बच्चा रो क्यों रही है? तो आज घुमा के ले आऊंगे बाहर। ये देखिए गाइस, ये पता है आपको क्यों रो रही है? क्योंकि आज इसका बोल दिया हमने कि इसका नाक छिदवा करके लाएंगे, इसलिए ये रो रही है कि दर्द होगा मैं नहीं जाऊंगी। और बाद में नाक बड़ी हो जाएगी तो ये ज्यादा दर्द करेगा क्योंकि खाल पक जाती है। और अब ये देखो कैसे रो रही है, बच्चों की तरह। खुशी खुशी रोना रोना चल चल तो। ओ, मेरा बच्चा आ जा जल्दी से आ जा, तो दर्द बिल्कुल दर्द नहीं होगा उसमें। नहीं दीवार को पकड़ के रो रही, दीवार को पकड़ के रो। ओ, मेरा पैर भी दर्द कर रहा खुशी। पैर जो आ जा रो ना, खड़ी हो रोहित है। खुशी दीदी को चिढ़ा रहा देख लो। अरे मारेगी ना तब तुम भागे नहीं मिलोगे। हाँ क्या इसको चिढ़ा रहे हो तुम? छोड़ो हटो इसको मत छेड़ो, छेड़ो मत इसको। अरे रुके ना मम्मी, अरे आवाज आ रही है। रोहित ये मारते ही तुमको। नाक नाक बिंदुआ क्या अणु है? नाक चल चल सानी बैठी है चलो। नाक हाँ नाक क्या बिंदुआ मांगा क्या मुंह धो ले चल तैयार हो गया थोड़ा। कितनी कहाँ आती है कर दिया किया देखना वो कौन से डिवीजन में कौन। गाइस जिस मुझे छिदवाने मेरे छिदवा नहीं रहे कान, और जिसको नहीं छिदवाने उसके छिदवाने बताओ। हाँ मम्मी की बेटी कुछ नहीं पहन के जाना जद्दा तो कौन स्कूल में जाएगी जब और वो हो गई 18-20 दिन इतना क्या ठीक है। फाइनली खुशी तैयार हो गई है जाने के लिए, सूज पहन रही है, रोना हो गया है बंद। अब ये घूम करके आएगी, कुछ खा करके भी आएगी बाहर जाने के बाद ना। खुशी क्या खाओगी? जाएगी खा के आएगी कुछ। आखिरकार तैयार हो चुकी है और रोना भी हो गया है बंद। चलें आप रोहित को यहीं छोड़ कर जाएंगे घर पर। इसको तो बस फ़ोन मिल गया, ये अकेला भी रह जाएगा, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़ोन के पीछे इतना पागल है ये लड़का। आखिरकार दुकान में आ गई खुशी नाक छिदवाने के लिए। यहाँ पे टैटो भी बनवाए जाते हैं। आवाज बहुत कम आ रही है। अभी यहाँ पे वो खूब सारे आंसू पानी गीला गीला पड़ा हुआ था, देख दिया फिर से बना। ये अमन को पता ही है भैया को, देख लीजिए आप यही होता होगा भैया आपको ही पता है। नहीं है, आप अपना देख लीजिए बस वहीं से देख लीजिए। सही लग रहा है, पेट तो थोड़ा नीचा है। आगे वाले पर पेट तो थोड़ा होगा कहाँ होना है? अरे धीरे लाओगे तो धीरे नहीं तेज हो जाएगा। रुको यार तुम हाथ मत लगाओ ना के अंदर तक चलेंगे वो बता देना। आप छोड़िए आप पकड़ेंगे इधर कहाँ उधर जाओगे? सोले पिक्चर वाली मौसी हो क्या? रहेगा नहीं हो गया अभी हिलाना नहीं हो गया है बस इसको मशीन को निकालना है वरना मशीन ऐसे लटका के छोड़ देना घर में गिरा होगा। नहीं हुआ ना दर्द? अब बाद में रो लेना चाहिए थोड़ा सा।
जितना रोए उतना तो दर्द भी नहीं हुआ होगा खुशी। पे खाएगी आइसक्रीम कि मेरे दर्द किया तो मुझे आइसक्रीम खिलाओ। उसी का नाक छिदवा करके हम लोग घर पहुंच गए हैं और अब मैं तेल और हल्दी गरम करूंगी और उसकी नाक की सिकाई करूंगी और 3 से 4 दिन उसकी सिकाई करेंगे हल्के हल्के गुनगुने तेल से, उसके बाद वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब मैं तेल गरम करती हूँ। नाक सेक देते, गरम तो नहीं है? नहीं, दर्द हो रही है। 2-3 बार सेकना पड़ेगा। Thank you.